खबर रीवा से है। मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत और नगरी चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर आरएसएस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि पंचायत और नगरी निकाय का चुनाव जिस परिस्थिति में कराया जा रहा है, ये काफी विसंगतिपूर्ण और मिले हुए अधिकारों को छीनकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा आरएसएस के इशारे पर कूट रचित तरीके से कराया जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरी निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण के साथ चुनाव कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं और ऐसे में ओबीसी वर्ग को साधने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ भाजपा 50% आरक्षण को लेकर चुनाव कराने में खुशी जाहिर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरे रोटेशन के आधार पर ही चुनाव कराने की बात कर रही है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने रीवा के स्थानीय राजनिवास में पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बीजेपी सरकार के साथ ही आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश में बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। पंचायत और नगरी निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, लेकिन जिस परिस्थिति में ये चुनाव कराए जा रहे हैं, ये काफी विसंगतिपूर्ण और मिले हुए अधिकारों को छीन कर कराए जाने को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा आरएसएस के इशारे पर कूटरचित तरीके से जिस तरह से ये प्रयास किया गया है, उसकी वो घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा संभागीय स्तर पर पत्रकार वार्ता के लिए मुझे अतिथित किया गया है, उसी संदर्भ में आप सबके बीच में आना हुआ है। आप सभी का कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप सब अपने व्यस्ततम समय में से कांग्रेस पार्टी के इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश में चल रहा है, निकाय चुनाव का, पंचायत और नगरी निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, पर जिस परिस्थिति में ये चुनाव कराया जा रहा है, ये काफ़ी विसंगतिपूर्ण और मिले हुए अधिकार को छीन के कराए जाने का जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आरएसएस के इशारे पे कूटरचित तरीके से जिस तरह से ये प्रयास किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एक तरफ स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं, 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाते हैं पंचायत चुनाव और नगरी निकाय चुनाव के लिए और अधिकार संपन्न बनाते हैं, विकेंद्रीकरण करने की व्यवस्था करते हैं और उसी 73वां 74वां संशोधन विधेयक के आधार पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब थी 93-94 में पंचायती राज और नगरी निकाय चुनाव को लेके एक्ट बनता है 243D और 243T के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव कराए जाने का जो भारतीय संविधान में प्रावधान था कि कोई भी राज्य जनसंख्या के अनुपात में अपना एक्ट बनाकर और रोटेशन में आरक्षण करके चुनाव कराएं, और ये भारतीय संविधान में प्रदत्त था कि 5 साल में रोटेशन होगा। पर ये विषम परिस्थितियां कैसे पैदा हुई, ये विषम परिस्थितियां जो पैदा हुई, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया अध्यादेश लाते हैं और बिना रोटेशन के पुराने रोटेशन पे पुराने आरक्षण की व्यवस्था में चुनाव कराने का जब बिगुल बजाते हैं, लोग न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से सही ढंग से पक्ष नहीं रखा जाता है, सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं न्याय पाने के लिए। हर किसी को 5 साल में रोटेशन का इंतज़ार रहता था कि रोटेशन में चुनाव हो, आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो। मैं स्वयं पंचायत मंत्री रहते हुए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में हमने पंचायत चुनाव को लेके ग्राम पंचायत स्तर से वार्ड, ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत सदस्य तक का, जनपद अध्यक्ष तक का आरक्षण रोटेशन में हो, ये व्यवस्था कर ली थी। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था,
पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चाहती, अगर उनकी नीयत साफ होती तो बिना जो नया अध्यादेश लाए, बिना अध्यादेश लाए और जो हमने रोटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण एक दिन में कराकर और चुनाव घोषित कर सकते थे। पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इनके आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, इन्होंने बहुत पहले कहा था कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए और उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए इस तरह का ताना बाना बुना गया और पूरी बनी बनाई व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया। आज